माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक है। वेलकम बैक ऑन अक्सादिल व्लॉग। आगे मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, आज के व्लॉग में मैं टिकटॉक आईलाइनर हैक यूज करूंगी, ठीक है, ट्राई करूंगी आप लोग के सामने। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरह का ये हैक है, सेम टू सेम मैं भी इसी तरह करूंगी और देखेंगे कि ये कितना काम का हैक है, इसके लिए थम अप है या थम डाउन है, वर्क करता भी है या नहीं, सिर्फ हैक ही है, बोलने में ही हैक है। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये टेप ले लिया, मुझे ब्लैक टेप मिल ही नहीं रही थी, मैंने कहा ब्लैक टेप थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी होती है सो वो ले लेते हैं, लेकिन शीशा टेप है, शीशा टेप से ही काम चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। तकरीबन चेक कर लेते हैं, तभी से इतना फनी लग रहा है। कट करते हैं इसको, ठीक है, कितनी अजीब लग रही है। ये लगा लिए, अब हम ऊपर अप्लाई करते हैं। अब इस साइड पे लगाती हूँ, लग गई है। अब हमें लगाना है जी ब्लैक आई शेड, ठीक है, ब्लैक आई शेडो लगाना है। वेट, ये मैं दोबारा से सेट करती हूँ। इसके अंदर फिल कर देना हमने ब्लैक आई शेड। वेट बेटा, इस साइड पे भी नजर आ रहा होगा आप लोगों को। उम्मीद तो काफी है वैसे, क्योंकि काफी लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। हो गया, अब उतारते हैं। ऐसे विंग टाइप तो बन गया, ऐसे भी लाइन। वाओ जबरदस्त, देखें नॉट बैड, नॉट बैड, लाइनर ही लग गया फुल, ठीक है। अब इसके ऊपर हम पिंक लगाते हैं, ठीक है, जरा सेट करते हैं ना आई शेड्स को, इनका आई शेड अप्लाई करते हैं। अच्छा लग गया, जिसको लाइनर बिल्कुल भी नहीं लगाना आता वो लगा सकता है, बहुत ही इजी है, इजी वे में लग जाता है। अब हम इसके ऊपर लाइनर से भी कर सकते हैं या तो आई शेड से भी इसकी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रश लिया, इसके ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई किया कुछ इस तरह से, ठीक है, और सीधी लाइन क्रिएट कर देनी। जिनको आईलाइनर लगाना नहीं आता और वो इतनी लाइन क्रिएट नहीं कर सकते, वो इस तरह से ये ब्लेंडेड लगता है थोड़ा सा, जैसे ब्लेंड किया हुआ ना हमने लाइनर को, ठीक है। विंग अच्छा बन गया, इसे सेट हो गया। अच्छा
इनका थोड़ा सा आईज मेकअप साथ कर लेते हैं, हल्का हल्का लाइट लाइट। और अब लगाते हैं वो मस्कारा। ओके, क्या मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ? ठीक है, एक बार ये भी लाइट लगाया। अगर आपने ज्यादा डार्क करना है तो आप डार्क शेड को अप्लाई करेंगे, ठीक है, ज्यादा सी। मैंने कम भी लगाई है लाइट शेड, बस मैं भी शेप चेक करना चाहती थी। मैं आपको क्लोज कैमरे से भी दिखा, ये देखें, अब मैं क्लोज से आप लोग को दिखा रही हूँ, ठीक है। हमें लाइनर में ज़्यादा शेप का ही मसला होता है कि विंग नहीं बनता या शेप नहीं बनती, सो इससे ज़बरदस्त शेप बन गई है विंग भी, देखें, ठीक है। और अगर आपको अभी डार्क चाहिए तो आप ज़्यादा आई शेड लगाना, ठीक है, ये देखें, ज़बरदस्त कॉर्नर्स भी ब्लैक हो गए, अच्छी लग रहे हैं। इसको मैं थम्स अप करूँगी, ठीक है, बिकॉज ये वर्क किया है, सब है कैसे फजूल ही नहीं होते, वर्क भी करते हैं, जिस तरह के ये इसने वर्क किया है, ठीक है। देखें, आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कैसा लगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।